बल्लभगढ़ में बदमाशी का कहर बढ़ता ही जा रहा है। बीती रात बदमाशों ने बल्लभगढ़ के दो अलग अलग हिस्सों में गोलियां चलाकर तीन लोगों को जख्मी कर दिया। घायलों में एक को दिल्ली की एम्स जबकि दो को दिल्ली के ही सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया गया है, जहां तीनों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। पहली घटना में बदमाशों ने अपनी दुकान बंद करके लौट रहे एक दुकानदार और एक रिक्शा चालक को गोली मार दी, जबकि दूसरी घटना बल्लभगढ़ के हरि विहार में एक व्यक्ति ने विनोद नामक व्यक्ति को अपने घर बुलाकर गोली मार दी। पुलिस दोनों ही घटना में जांच की बात कर रही है। सड़क पर पड़ा खून बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी की घटना है, जहां देर रात अपनी दुकान बंद करके लौट रहे मुकेश मित्तल नामक दुकानदार को गोली मारकर फरार हो गए। इतना ही नहीं, बदमाशों ने मुकेश के साथ मौजूद रिक्शा चालक के पेट में भी गोली मार दी। दोनों को फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल में दाखिल कराया गया। हालत चिंताजनक देखते हुए डॉक्टरों ने दोनों को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया। मुकेश मूल रूप से राजस्थान के डी क्षेत्र का रहने वाला है, जबकि दूसरा घायल नसीमुद्दीन मेवात के पुनहाना क्षेत्र का रहने वाला है। यहाँ रहने वाले वरुण की माने तो रात को उसने कई लोगों की आवाज़ सुनी तो वह बाहर निकल आया। उसने देखा कि उनके पड़ोस में रहने वाला मुकेश व रिक्शा चालक सड़क पर खून से लथपथ पड़ा था। पड़ोस में रहने वाले ही परवीन की माने तो पुलिस के 100 नंबर पर उसने कई बार फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। मैंने जो कि मेरा रिपोर्ट करी थी, मैंने सुनाई नहीं करी थी। आप उनको जानते हो जिन्होंने गोली चलाई है? क्या क्या नाम है उनके? मेरा नाम वैसे तो मुझे पता तो नहीं है, पर घर वाले ने कल से जान है जो वैसे। अच्छा, वो जानते हैं, चलते जान चेहरे से जानते हैं। कितनी उम्र होगी है हस्बैंड की? 50। मतलब लड़ाई हुई थी डेली बच्चे आते थे और कहीं भी है उनके घर जाके, पूरी गली वाले ने भी बताया। ये दिवाली वाले दिन तो गली वाले सारे इकट्ठे हो गए, तब निकाले। विनोद क्या काम करता है? वो पहले गाड़ी चलाते थे, वो गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए मतलब अब तो घर ही थे वो। घर ही थे। हाँ, जो डी भरतपुर का रहने वाला था उसके साथ ही जो कमालुद्दीन स्नोफानी राजपुरा पुराना का रहने वाले, दोनों अपनी दुकान के पास में बैठे थे। इन्होंने बताया कि दो जो लड़के हैं बाइक पे आए और उन्होंने अपना मुंह ढका हुआ था और आगे इनके ऊपर जो फायर कर दिया। मुकेश के पेट में गोली लगी है और जो कमाल लू है उसके जांग में गोली लगी है।